फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप लोग कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर में। और आप सब कैसे हैं? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू वीडियो, जिसमें हम लोग वेट लॉस के 4-5 योगा सीखेंगे, जिसमें आपको बहुत ही आसानी होगी वेट लॉस करने में। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जिम जा पाएँ, जिम जाके पसीना बहा पाएँ, क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। मोस्टली हाउस वाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जिम जाके पसीना बहा पाए, वहाँ जाकर एक्सरसाइज कर पाए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग जिम जा रहे हैं वही लोग जाके अपना वेट कम कर सकते हैं। आप चाहें तो घर पर भी वेट लॉस कर सकते हैं। कुछ ऐसे 4-5 एक्सरसाइज हैं जिसको अपनाकर आप घर में भी अपना वेट लॉस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको समय देना होगा उसके लिए रेगुलरली, क्योंकि कोई भी हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो 2-4 दिन में फ़ायदा नहीं देती है। आपको रेगुलर उस चीज़ को करना होता है। किसी भी चीज़ को करने का फ़ायदा तभी होता है जब हम लोग रेगुलरिटी से उस काम को करें बड़े धैर्य के साथ। इसलिए आप लोग वेट लॉस की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जो योगा मैं आज बताऊंगी आपको, वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं आराम से। बस थोड़ा सा आपको समय देना होगा और थोड़ा सा अपने खान पान में सुधार करना होगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा तला चिकना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा बाहर के आइटम जो हम लोग मार्केट में जाके खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना होगा और राइस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। अगर आप इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा मीठे पर कंट्रोल करते हैं, तो आप अपने बॉडी को बिल्कुल शेप में ला सकते हैं और आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। वो 4-5 आसन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, आप लोग बने रहना। जैसे जो जो भी व्यक्ति है, जैसे कोई भी हो सकता है, वो मैन हो या वीमेन हो या कोई भी हो, तो वो बाहर जाके कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं अगर बाहर जाके जॉगिंग करना, या उनके पास टाइम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप रोड पर दौड़ें तभी आपका वेट लॉस होगा। आप एक जगह पर खड़े होकर भी ऐसे जॉगिंग कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको ऐसे बताती हूँ। एक ही जगह पर आपको ऐसे ऐसे दौड़ना होगा, वो आप 10 मिनट तक कम से कम उसको करिए। तो वो जो हम लोग की बॉडी में हीट निकलेगी उसी से हम लोगों का वेट लॉस होता है। और जब आप एक बार आप करके देखिएगा उसको घर पर कैसे दौड़ते हैं, मैं बताती हूँ। एक ही जगह पर आप खड़े हो जाइए अपने घर में, कहीं पर भी, बस थोड़ा ही सा प्लेस चाहिए, ज़्यादा आपको इधर उधर दौड़ना नहीं है। और एक ही जगह पर खड़े होकर आपको ऐसे ऐसे करना है। थोड़ा कैमरा मैं ऐसे कर लेती हूँ। इस तरह से आपको करीबन 10 मिनट तक करना होगा। तो आप खुद ये फील करेंगे कि आपकी बॉडी से एक हीट निकल रही है, वही हम लोगों का वेट लॉस करती है। और ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरा योगा। तो फ्रेंड्स, दूसरे योगा में आपको क्या करना है, आपको पूरे हाथ ऐसे कर लेने हैं, अपने पूरे हाथ ऊपर कर लीजिए ऐसे, और आपको थोड़ा सा पीछे जाके और फिर पूरा ऐसे ही खोलना है। ऐसे आपको ना समझ में, मैं ऐसे करती हूँ, पूरा आपको ऐसे हाथ करने हैं और ऐसे झुकना है, फिर आपको ऐसे हाथ करने हैं, थोड़ा सा ऐसे झुकते हैं, फिर ऐसे करना है। घुटने बिल्कुल भी सीधे रखने हैं, बिल्कुल भी मोड़ने नहीं है। कि अगर आप पैरों को अपने नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप अपने घुटनों को मोड़ के वो दूरी कम कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल सीधे रखने हैं अपने घुटने, और देख लीजिए ऐसे करके ये जो घुटने हैं ये बिल्कुल आपको सीधे रखने हैं, इनको ऐसे करके मोड़ना नहीं है आपको, तभी आपको फायदा होगा। ओके, चलिए अब अपने तीसरे आसन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अपने तीसरे आसन के लिए आपको ऐसे बैठ जाना है, पैर कर लेने हैं, जितने फैल सकते हैं आपके पैर आप उनको ऐसे फैला लीजिए। और इस वाले हाथ से ऐसे पकड़ना है आपको, और इस वाले हाथ से ऐसे, और ऐसे करीबन आपको 10 से 15 बार करना है। तो ये जो हम लोगों का यहाँ का जो फैट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है,
तरह से आपको 10 से 15 बार गाइस करना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने फोर्थ आसन की तरफ। फोर्थ में हम लोगों को क्या करना है, सीधे लेट के पैरों को उठाना है ऐसे। ऐसे जब आप पैर करते हैं तो ये जो आपके पेट की फैट होता है वो कम होता है गाइस। और जिनके कमर में दर्द हो तो वो एक पैर की जैसे दो पैरों को ऊपर ना उठाएं। इसके बाद आपको दो पैरों को ऊपर उठाना है, तो जिनकी कमर में दर्द हो वो ऐसा भी करना चाहिए जैसे मैं करती हूँ। तो आपको गाइस दोनों पैरों को तभी उठाने का रिस्क लेना है जब आप उसे आसानी से कर पाए, और जिनके कमर में दर्द हो तो वो ये दो पैरों वाला योगा बिल्कुल भी ना करें। चलिए अब एक आसन है और खड़े होकर वो बताती हूँ। तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको सीधे खड़े हो जाना है और पैरों को अलग अलग कर लेना है ऐसे ऐसे, पैरों पे ऐसे कर लेना है, और ये वाला जो हाथ है वो ऐसे कर लेना है ऐसे। तो ऐसे करने से जो हमारा ये फैट होता है ये कम होता है यहाँ का, और कैसे करना है ऐसे। तो इसे भी आपको गाइस इसको भी आपको 10-15 मिनट ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो जो हम लोगों पे साइड का फैट होता है इससे वो कम होता है। तो आप इस तरह के आसन घर में ही अपना के बहुत जल्दी अपनी बॉडी का जो फैट है उसे कम कर सकते हैं आसानी से। मैंने भी इसे अजमाया है और मैं भी करती हूँ। कुछ लोग वीडियो बनाते हैं तो जैसे बहुत छोटी छोटी उम्र के लोग जो इस टाइप का वीडियो बनाते हैं वो ऑलरेडी बहुत पतले होते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है वो योगा करके पतले हो गए, लेकिन वो ऑलरेडी होते ही पतले हैं। लेकिन हम लोग जैसे उम्र के लोग जो हैं वो बनाते हैं वीडियो तो बताते हैं कि हाँ इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोगों ने भी अपनाया होता है उसको। तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि हम लोग अगर घर में ही रह के उन चीज़ों को करें जो हम लोग जिम में जाके करते हैं तो हम लोग आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बस थोड़ा सा खान पान पर भी ध्यान देना होगा, और अगर आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी। और योगा बिल्कुल बेस्ट होता है, बहुत सी बीमारियाँ हम लोग जो दवा से ठीक नहीं कर सकते वो हम लोग योगा से ठीक कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग योगा किया कीजिए, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो थोड़े से टाइम के लिए कीजिए, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। इससे अपने अंदर ही एक आत्मसंतुष्टि हो जाती है कि हाँ हम कुछ अपनी बॉडी के लिए भी करते हैं। और दिन भर में आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे मेरा आगे आने वाले वीडियोज आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आपके मीडिया ब्लॉगर, बाय बाय।